चलिए जी, तो वी वर डूइंग एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स, ठीक है, एनिलिडा के अंडर ही लिख लेना दैट एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एनिलिडा. फर्स्ट है ट्रू मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सेकेंड है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ट्रू सिलो और कौन सी सिलोम है, दिस इज ट्राइजो सिलोम. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट है बॉडी बॉल हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. Another is lateral appendages such as lateral means जो साइड पे है, such as parapodia for locomotion. इससे पहले लेटरल अपेंडेजेस नहीं थी. अनदर इज फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओरिजिन ऑफ hemoglobin which is dissolved in plasma. ये एडवांस्ड फीचर्स है इसके एनिमिका की. आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के एडवांस्ड फीचर्स क्या है? एडवांस्ड फीचर्स है बेटा, दे हैव यू नो रेजिस्टेंट काइटिनस exoskeleton सिलोम उनमें आ ही चुकी है. नेक्स्ट आ जाती है ओरिजिन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स. अभी तक स्ट्राइटेड मसल्स नहीं थे, यहां पे स्ट्राइटेड मसल्स हो गए which helps in quick movement. Another important is distinct head is present. Distinct head और हम कहते हैं cephalization.
distinct head or cephalization. Cephalic region of the head region is present. Another is locomotion by jointed legs and wings. अच्छा बेटा एनिलिडा में एक और पॉइंट लिख लेना. Closed blood vascular system. ये भी एक advanced feature. Closed blood vascular system. यहाँ पे respiration by trachea or book lungs or book gills they excrete mainly, अगर हम कहें mainly, not always, but क्योंकि aquatic forms जो है, aquatic arthropods, they excrete ammonia, but excrete mainly uric acid by Malpighian tubules. Which is an adaptation for terrestrial habit. They excrete uric acid by Malpighian tubules. These are some of the advanced features of arthropoda. Okay. कर लिया बेटा सबने, लिख लिया है? Yes. Yes. रब कर दूँ मैं इसको? Yes. मैम नीचे ये क्या लिखा है? Which is an adaptation for? For terrestrial habit. Terrestrial means land habit. एनिलिड्स में हमने किया था एक नीविस. दैट इज चाइल्ड. मैं आपको दिखाऊं जरा नीविस. कल देखा था आपने कि नहीं? एक मिनट. ये देखिए, ये है नीरिस. दिख रहा है आप सबको नीरिस का? ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये पूरी, ये देखो, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज पेरिस्टोमियम. पेरिस्टोमियम के ऊपर जो ये डार्क कलर्ड है, दिस इज प्रोस्टोमियम. और प्रोस्टोमियम के ये चार क्या नजर आ रहे हैं? पेल्प्स नजर आ रहे. बाकी के ये सेगमेंटेड बॉडी है. और साइड में दिख रहे हैं ये आपको फीट लाइक स्ट्रक्चर? यस और नो? यस. साइड में दीज आर कॉल्ड एज पैरापोडिया. दिस इज नीरिस. दिस इज क्लैम वॉर्म या सैंड वॉर्म. ओके, ठीक है. और फिर इसके बाद ये देखो, ये है कैटल लीच हिरुडिनेरिया. ये देखो, ये ना, मतलब ये तो वैसे हाथ पे रख के दिखाया हुआ है. अदरवाइज इसका ये एंटीरियर पार्ट देख रहे हो आप, ये क्या है? दिस इज सकर. ये स्किन में घुस के, कैटल की स्किन में घुस के वहां से ब्लड सक करता है. और आप ये देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो सेगमेंटेड. इज इट ओके? ठीक है जी. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं
नीरिस पे, और नीरिस पे कल आपने डायग्राम बनाया भी होगा, अभी मैंने जैसे आपने देखा भी, दिस इज पेरिस्टोमियम, ये है पेल्स, यहाँ पे माउथ, और ये सारे हैं यहाँ पे, दीज आर सेगमेंट्स, साइड में क्या है पैरापोडिया, हम बनाते हैं ऐसे है, दीज आर पैरापोडिया, वन पेयर ऑफ पैरापोडिया इन ईच सेगमेंट, ठीक है। तो नीरिस जो है इसके फीचर्स क्या है, पहली बार इट इज यू कैन से एक्वेटिक, फाउंड इन फ्रेश वॉटर, सेकेंड है यूनिसेक्सुअल, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, डायोशियस, हैज बोथ पैरापोडिया एंड सीटी, पैरापोडिया आर मेंट फॉर स्विमिंग, नो क्लाइटेलम, अभी मैं बताऊंगी क्लाइटेलम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद ट्रोकोपोर लार्वा, दिस इज नीरिस, फर्स्ट सेगमेंट, कल आपने डायग्राम ड्रॉ भी किया होगा, दिस इज पेरिस्टोमियम, द लोब लाइक एक्सटेंशन इज प्रोस्टोमियम, दीज आर सेंसरी पैल्स, ये है पैरापोडिया, एब्सेंट इन फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, बाकी सभी जगह पैरापोडिया मिलेगा, दिस इज अबाउट नीरिस, करो फटाफट से। Then, annelida की ही हम बात कर रहे हैं, सेकेंड आ जाता है हिरुडिनेरिया, कैटल लीच, this is
ectoparasitic on cattle. This is cattle leaf, Hirudinaria, ectoparasitic. On cattle, anterior sucker, posterior sucker. Ectoparasitic. Sanguivorous. Saliva has blood anticoagulant. Hirudin. जो ब्लड सक करते हैं वो कोएगुलेट ना हो जाए. इट्स सलाइवा हैज ब्लड एंटी कोएगुलेंट हिरुडिन. और इसी कारण से बेटा पहले जब लोग सर्जरी किया करते थे, बहुत टाइम पहले, 200 300 500 या 1000 साल पहले जब सर्जरी किया करते थे लोग, तो लीचेस को ना जहां पे सर्जरी करनी है वहां पे चिपका देते थे, ताकि चलो थोड़ा बहुत खून भी सक कर लेंगे बट वो सलाइवा छोड़ते जाएंगे, ताकि जहां पर सर्जरी कर रहे हैं वहां पे ब्लड क्लॉट ना हो जाए, ब्लड वेसल्स ब्लॉक ना हो जाए. इट हैज ब्लड एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन. चलो ये तो कैटल है. ह्यूमन लीचेस भी होती है जो ह्यूमंस को मतलब ह्यूमंस के साथ चिपक जाती है. तो बेटा हर एक लीच में एंटीकोएगुलेंट होता है. एंड यू नो वी वेंट टू मसूरी, बाकी मुझे पहाड़ों के और गए तो है, बट हमने मसूरी में देखा था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपने यू नो हम बोटेनिकल ट्रिप्स के लिए जाया करते थे, तो बहुत वहां पे ऊपर जंगलों में और इधर उधर हमें जाना पड़ता था, तो वहां पे बहुत सारी लीचेस थी और वो पता भी नहीं चलता. आप दो दो सॉक्स डाल के जाते थे, पता नहीं चलता था तो कब आपके सॉक्स के अंदर चली जाती थी. एंड यू डोंट, आपको पता नहीं चलता वो खून सक कर रही है कर रही है, और फिर एकदम इतनी पेन होती थी, ठीक है, और फिर उसको निकालना इतना मुश्किल, इतनी जकड़ लेती है उसको, निकालो और कितनी देर तक ब्लड जो है ना वो बहता रहता है, बिकॉज इट हैज सिक्रेटेड लॉट ऑफ यू नो एंटीकोएगुलेंट, राइट. तो सलाइवा हैज ब्लड एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन. इट इज बाइसेक्सुअल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन. Temporary clitellum develops. Clitellum क्या है? ओवोथीका. इसको हम ओवोथीका भी कह देते हैं. Develops during breeding season. During breeding season, fertilization internal in ovothika secreted by clitellum. And remember that, what is clitellum? This is glandular epithelium. Glandular epithelium development indirect trochophore larva. Trochophore larva.
anterior and posterior sucker for attachment with host. एकदम किसकी तरह काम करते हैं? वैक्यूम पंप की तरह. वैक्यूम से जैसे कई बार हम कोई चीज वैक्यूम प्रिंसिपल पे चिपका देते हैं दीवार पे, ऐसे ही इसके सकर्स भी वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करते हैं. अटैचमेंट विद होस्ट एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड या सकिंग ऑफ ब्लड. This is about cutaneous. Next आ जाता है earthworm, Ferritema posthuma. Next is earthworm. That is Ferritema posthuma. It has, agar hum thoda sa dekhein, मैग्निफाई करके अगर हम देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बहुत सारे 250 to 300 सेगमेंट्स है. फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेगमेंट्स जो है वो फ्यूज्ड है. और मैंने आपको बताया भी था कल कि दीज आर सराउंडेड बाय अ ग्लैंडुलर एपिडर्मिस दैट सिक्रीट्स क्लाइटेलम. सो दिस इज Ferritema posthuma. इसको हम कहते हैं prostomium, which has mouth. First segment is peristomium. These are clitellar segments. No parapodia, but seta present. This is earthworm. ठीक कर लो. ये आ जाते दिस इज प्रोस्टोम हैविंग माउथ. अर्थवर्म जो है इट इज फसोरियल. क्या मतलब है? दैट इज
lives in burrows. Lives in burrows. Attaches to burrows by seating. Feeds on organic matter of soil. Has 250 to 300 metameres. Fifteen and 16 segments are fused and covered by glandular epidermis called as clitellum. Which secretes ootheca. Which secretes ootheca. It is bisexual or monoecious, but cross fertilization internal in ootheca. No larva development direct. Earthworm is called as farmer's friend, as it makes soil soft and porous. क्योंकि ये जगह जगह burrows बनाता है, मिट्टी खाता है, उसमें से organic matter absorb करता है, बाकी मिट्टी निकाल देता है. Excrete urea, which adds, you know, it acts as fertilizer. ठीक है? It to make soil soft and porous. And adds urea in soil because it excretes urea. Therefore, it is called as farmer's friend. बेटा बारिश के दिनों में आपको बाकी टाइम तो आपको अर्थवर्म्स दिखते नहीं है. बरसातों में रेनी सीजन में आपको अर्थवर्म दिखते हैं. ऐसा क्यों बेटा? Anybody? Krisha? Sargam? Ma'am, because soil moist ho jata to uske andar air nahi hoti. Haan, bilkul baat theek hai. Because their burrows gets filled with water. Theek hai? And no air is left in the burrows. So for respiration, it has to come out. Air nahi milti usko burrows mein. Kyunki uski burrows paani se bhar jati hai. Right? So, this is about some of the annelids. Zyada to nahi hum bata payenge, but these are some of the annelids. Haan ji, rab kar tu main ye sara?
Yes, ma'am. अब हम आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स पे. आर्थ्रोपोड्स पे बेटा आपने एडवांस फीचर्स लिखे, एक एडवांस फीचर और लिख लेना, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आर्थ्रोपोड्स सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स है. वन मोर एडवांस फीचर, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव endocrine glands which secrete hormones. Which secrete hormones. ठीक है जी. आर्थ्रोपोडा में बेटा थोड़ा सा मैं आपको क्या बताऊंगी इंसेक्ट्स के बारे में. हमने कहा इंसेक्ट्स में टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट देयर आर सम विंगलेस इंसेक्ट्स सच एज लेपिस्मा. बेटा अपनी पुरानी किताबें खोलना जो पढ़ते नहीं हो, उसमें आपको सिल्वर फिश नजर आएगी. ठीक है, भागती है या बेचारे को तुम वहीं पे दबा के मार देते हो. ठीक है, सो दैट इज लिपिस्मा. किताबों में ही मेनली, किताबों में, कपड़ों में मिलेगी, तो बहुत टाइम से आपने अंदर रखे हुए जो निकाले नहीं आप. सो लिपिस्मा दिस इज silver fish. This is wingless insect. Another is एक है bed bug. Scientific name is Cynex. ये शायद अर्नब को पता हो, जिसको बोलते हैं खटमल. खटमल कभी आपने देखे हैं? पहाड़ों में मिलते जहां पे मॉइस्चर सा रहता है ना, जहां पे धूप नहीं आती, मॉइस्चर रहता है, अर्नब को पता है. ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स में नहीं मिलते है ना. यू नो माय ग्रैंड पेरेंट्स दैट लिव इन यू नो नियर सोलन, सबाथू जगह है, वहां पे रहा करते थे. तो हम वहां जाते थे ना, वहां एक तो बहुत पहले जो बेड्स हुआ करते थे, लकड़ी वाले तो बेड्स होते नहीं थे, वो निवार के बेड्स या दूसरे जो भी फोल्डिंग बेड्स टाइप ही, तो उनकी जो पटिया होती थी ना उसके बीच में छिपे होते थे. ये नॉक्टर्नल है, रात को बाहर निकलते हैं. और जब इनको रात को उस टाइम यू नो वे बैक यू नो 30 years back की अगर हम बात करें, 30-35 years back की अगर हम बात करें, तो हर टाइम वहां पे जहां पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, ये नहीं कि 24 घंटे बेड बिछे हुए या डबल बेड्स एंड ऑल दैट, नहीं, वो रात को ही बेड बिछते थे, दिन में बेड नहीं बिछते थे, उठा देते थे सारे. तो रात को जब बेड बिछाते थे ना, तो उसको जोर जोर से मारते थे ताकि वो सारे जो खटमल है वो नीचे आ जाए, ढेर सारे. और खटमल का क्या है, बेड बग्स का क्या है, इनके जो हिंड विंग्स है वो एब्सेंट है, फोर विंग्स जो है दीज आर विस्टिजियल, काम नहीं करते ये. सो दैट्स व्हाई बेड बग कैन नॉट फ्लाई. इसी तरह से कॉकरोच पेरीप्लैनेटा, अगर आप कोई बड़ा सा कॉकरोच देखो तो आपको पता भी चलेगा, यू कैन सी दिस, कि इसके जो फोर विंग्स है जो ऊपर को दिखते हैं, जनरली कॉकरोच बहुत कम फ्लाई करते हैं, जो फोर विंग्स है दे आर डार्क कलर्ड एंड लेदरी, जिनको हम बोलते हैं टेगमीना. नो रोल इन फ्लाइट.
जो हिंड विंग्स है नीचे जो फोर विंग्स के नीचे होते हैं दीज आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड हेल्प्स इन फ्लाइंग. ठीक है, तो टेगमीना जो है टेगमीना को हम और क्या बोल देते हैं, विंग कवर्स. These are called as wing covers because they cover the hind wings. ठीक है, तो सभी insects में wings नहीं है, although हम कहते हैं insects में 3 pair of legs and 2 pair of wings, but सभी insects में wings नहीं है. कुछ insects बिल्कुल ही wingless है, कुछ में wings है but काम नहीं करते, कुछ ऐसे है जिसमें 1 pair काम कर रहा है, 1 pair नहीं काम कर रहा, बाकी सब में तो चलो काम कर ही रहे. Is it okay? Next, as I said, beta, because insects. लिख लिया बेटा ये सबने? Everybody done? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद इनकी लेग्स में दे हैव ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, स्मेल करते हैं लेग्स के थ्रू, कॉल्ड एज जॉनसन्स ऑर्गन. So they have olfactory organ in their legs called as Johnson's organ. Next point आ जाते हैं. Types of mouth parts. इनमें insects में different type के mouth parts हैं. फर्स्ट आ जाते हैं कटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. एग्जाम्पल आ जाती है कॉकरोच. देन सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, हम थोड़ा सा और कर लेते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग. पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग इज अंदर जाना, चुभना किसी को, है ना. दे आर प्रेजेंट इन मॉस्किटोस, देन थर्ड है स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स, स्पॉन्ज लाइक एब्सॉर्ब करते हैं. अगर आप देखोगे दैट इज योर हाउस फ्लाइज, तो आगे आपको राउंड व्हाइट से कलर का नजर आएगा, दैट इज स्पॉन्ज लाइक, जो लिक्विड फूड को एब्सॉर्ब करते हैं. इट इज प्रेजेंट इन हाउस फ्लाइज. देन there is lapping mouth parts. जो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं, that is in case of worker honeybees. worker honeybees. ठीक है जी.
नेक्स्ट हम थोड़ा सा हनी बीज के बारे में हम बताएंगे, ज्यादा चीजें नहीं। हनी बीज जो है एपिस इंडिका, कोलोनियल इंसेक्ट, हैज मेल्स जिनको हम कहते हैं ड्रोन्स, देन फीमेल वर्कर्स एंड फीमेल क्वीन। ड्रोन्स, वर्कर्स एंड क्वीन, ड्रोन्स आर मेल्स जो फीमेल क्वीन है, दिस इज फर्टाइल फीमेल। इट लेज टू टाइप्स ऑफ एग्स, दो तरह के अंडे देती है, एक तो है अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट्स है, वो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और दूसरे है फर्टिलाइज्ड। सीरत मुझे बताओ बेटा, इनमें डिप्लॉयड कौन से होंगे और हैप्लॉयड कौन से होंगे? यस सीरत, त्रिशा आप बताओ। गुंजन, हाँ त्रिशा बोल रही है, बोलो बेटा। मैम फर्टिलाइज्ड और डिप्लॉयड। फर्टिलाइज्ड विल बी डिप्लॉयड, बिल्कुल ठीक है। एंड दैट अनफर्टिलाइज्ड विल बी हैप्लॉयड, जो है वो हैप्लॉयड होंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड है बेटा, दे डेवलप इनटू मेल, तो मेल जिनके हैप्लोइड होते हैं, इनटू आप कह सकते हो हैप्लोइड मेल। जो फर्टिलाइज्ड एग्स है दे फॉर्म डिप्लोइड फीमेल। जो डिप्लोइड फीमेल्स है बेटा, दे डेवलप इंटू स्टराइल वर्कर्स एंड वन, अगर हम कहें फ्यूचर फर्टाइल क्वीन। हैज फंक्शनल ओवोथीका फॉर फर्टिलाइजेशन, और मेनली मेरा बताने का क्या यहाँ पे पॉइंट है कि ओवोथीका यहाँ पे तो इसका कोई काम नहीं है, गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्टिंग। जो डंक मारते हैं वो कौन मारते हैं? वर्कर्स की, क्वीन की, मेल्स। सो इट इज द वर्कर हनी बीज विच हैज द स्टिंग। जो डंक मारते हैं, हमें काटते हैं, वो कौन से हैं? दीज आर वर्कर्स। और वो उनमें स्टिंग क्या है? इट इज द मॉडिफाइड ओवोथीका, क्योंकि ओवोथीका का तो काम ही नहीं है वर्कर्स में, दे आर स्टराइल, तो वो प्रोटेक्शन में काम आता है।
ठीक है जी। अतिपा इट इज ओके। यस मैम। इसी तरह से स्कॉर्पियन इंसेक्ट नहीं है बेटा, स्कॉर्पियन ब्रैकेट में लिख लो नॉट एन इंसेक्ट, ठीक है। ये किसी और ग्रुप का मेंबर है, हम वो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो क्योंकि भूल जाते यहाँ पे, बिकॉज इट ऑल्सो स्कॉर्पियन क्या बिच्छू राइट, इट हैज सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, जो इसका डंक है वो क्या है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। हनी बीज का जो डंक है वो किससे बना है, ओथीका से। दोनों स्ट्रक्चर्स अलग है बट दोनों का काम है प्रोटेक्शन, डंक मारना, ठीक है। तो ये क्या हुए, होमोलोगस की एनालोगस गुंजन, अर्नब हाँ हाँ बोलो बोलो गुंजन, एनालोगस एनालोगस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे चार डाल के लिख लो कि द स्टिंग ऑफ हनी बीज एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन आर फंक्शनली सेम बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्टिंग ऑफ हनी बीज एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन आर फंक्शनली सेम बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, देयरफॉर कॉल्ड एज एनालोगस स्ट्रक्चर। And last topic about arthropods. Some of the insects show metamorphosis. What is metamorphosis? Change of larva into adult is called as metamorphosis. लार्वा क्या चीज है, इट इज द यंग वन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which differs in structure and mode of life from adult.
हमारा जो बच्चा जब पैदा होता है बेटा, तो वो हमारी तरह ही नजर आता है, ये नहीं कि उसकी एक पूंछ है, उसके दो सींग है, ऐसा कुछ नहीं। इट लुक्स लाइक अवर सेल्फ। सिर्फ बच्चे और बड़े में क्या फर्क है, ग्रोथ का फर्क है, बाकी सब स्ट्रक्चर्स वही है। तो इसलिए हमारे में लार्वा नहीं है। और लार्वा तुम कॉमनली देखते हो फ्रॉग में। फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है वो फिश लाइक है रादर देन फ्रॉग लाइक। पानी में रहता है, सिर्फ स्विम करता है, गिल से रेस्पिरेशन करता है, दैट इज व्हाई इट इज लार्वा, राइट। तो लार्वा वो है जो अडल्ट से डिफरेंट होता है और फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके, पुराने स्ट्रक्चर्स लूज करके, नए स्ट्रक्चर्स गेन करके अडल्ट बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंसेक्ट। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट विदाउट मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट विदाउट मेटामॉर्फोसिस एग्जाम्पल है लेपिस्मा। Example है लेपिस्मा, in which the young one resembles the adult, in which the young one resembles the adult in structure as well as mode of life, in structure as well as mode of life. Second है development with gradual metamorphosis. Example है cockroach. Development with gradual metamorphosis. Example है cockroach. The structure of young one is same as that of adult. The structure of young one is same as that of adult, except that it lacks wings. Except that the young one lack wings. So, sirf metamorphosis ke dauran kya hai? Wings ki development hai. Baki cockroach cockroach ki tarah hi dikhta hai. Development with partial metamorphosis. Development with partial metamorphosis. Dragonflies and mayflies. Dragonflies and mayflies. The young one differs from adult in structure, bracket mein likh lo, lack wings, bracket close, as well as mode of life. Structure mein sirf wings nahi hai, मोड ऑफ लाइफ में डिफरेंट है। हो सकता है लार्वा एक्वेटिक है, अडल्ट टेरेस्ट्रियल है। और लास्ट आ जाता है बेटा डेवलपमेंट विद, यहां पे लिखो विद, आई एम सॉरी, यहां पे विद ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। और लास्ट आ जाता है डेवलपमेंट विद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। Development with complete metamorphosis. Example है
silkworm. Butterfly, beetles, mosquitoes, housefly, etc. In this, the young one is completely different from, bilkul hi alag lagta hi nahi hai, in which the young one is completely different from adult. Aur inme, isi mein hi aap likhenge last wale mein, egg, egg ke baad larva, larva ke baad pupa. प्यूपा में क्या होता है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर है जहां पर लार्वल करैक्टर सारे ब्रेक डाउन होते हैं एंड रिप्लेस्ड बाय अडल्ट, और फिर प्यूपा के बाद अडल्ट. ठीक है जी, लिख लेना, ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज द लार्वल करैक्टर्स आर ब्रोकन एंड रिप्लेस्ड बाय अडल्ट. और आपको ये पता है कि सिल्क वॉर्म एंड बटरफ्लाई में जो कैटरपिलर लार्वा है वो अर्थ वॉर्म की तरह लगता है, एनिलिड्स की तरह लगता है, रादर देन इनकी तरह. तो एग्जांपल हमने कल भी बताई थी, सिल्क वॉर्म एंड बटरफ्लाई. इनमें बेटा कैटरपिलर लार्वा है, देन हाउस फ्लाई मैगट. बेटा एक ठीक करना, एवरीबडी, मॉस्किटो में बेटा ग्रब्स नहीं है, रेगुलर है. मॉस्किटो में रेगुलर लार्वा है एंड बीटल्स में ग्रब है. ये थोड़ी सी करेक्शन करना, इन मॉस्किटो देयर इज रेगुलर लार्वा, इन बीटल्स देयर इज ग्रब लार्वा. और अब एक बॉक्स में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है, ट्रायलोबाइट्स फॉसिल आर्थ्रोपोड. लिम्यूलस लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोड. लिम्यूलस को किंग क्रैब भी कहते हैं. देन पेरिपेटस लिविंग फॉसिल का मतलब आपको पता है, विच रिटेन्स द प्रिमिटिव करैक्टर. पेरिपेटस इट इज कनेक्टिंग लिंक. Between annelids and arthropods. Peripatus is connecting link between annelids and arthropods. Look at the purpose. पेरिपेटस को वॉकिंग वॉर्म भी कह देते हैं. इट इज वॉकिंग वॉर्म.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अलग से ही करेंगे फाइलम मोलस्का. नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का जिसको हम कहते हैं शेल्ड ऑर्गेनिज्म. शेल्ड ऑर्गेनिजम्स कल मैं थोड़ा सा इनको दिखा दूं आपको. ये देखिए दिस इज एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको. शंख है जो है ना दिस इज एप्पल स्नेल और पाइला हम इसको कह देते हैं. साइंटिफिक नेम है पाइला. और ये देखो ये जो इसका दिख रहा है खाली सी जगह दिख रही है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यहां से उसका फुट निकलता है फॉर लोकोमोशन. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा ये देखिए ये है पिंक टेडा. पिंक टेडा होता है बेटा दैट इज पर्ल जहां से पर्ल सुच्चा मोती निकलता है. ये दोनों इसकी शेल्स है जो जुड़ी हुई होती है और इसके अंदर क्या निकलता है मोती बनता है सुच्चा मोती जो कहते हैं बहुत महंगा. ये देखो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है. ये देखो यहां से जुड़ा हुआ है और ये बंद होता है एक दूसरे के ऊपर. और ये देखो अंदर क्या पड़े हैं मोती पड़े हुए हैं पर्ल्स पड़े हुए हैं. दिस इज पिंक टेडा. दिस इज हाँ जल्दी से बताओ कौन है ये. हाँ जी अर्ना ऑक्टोपस. ऑक्टोपस है ये डेविल फिश. ठीक है ये देखो ये इसकी बॉडी है. ये दो आंखें आपको अलग से नजर आ रही है एक तो नजर आ ही रही है. ठीक है और ये हम आ जाते हैं दीज आर ओरल आर्म्स. देखिए कितनी दिख रही है एक दो तीन चार पांच छह और एक ये सात और एक और होगी आठ. आठ आर्म्स होती है इसकी. ठीक है दिस इज ऑक्टोपस. ये क्या है दिस इज कटल फिश है बेटा ये. ठीक है दिस इज कटल फिश. दिस इज सीपिया राइट. ये देखो ये इसका हेड है. ये दो लेटरल आईज है. ये इसकी बॉडी है. लास्ट में ये जो साइड में ब्राउन ब्राउन सा नजर आ रहा है दीज आर लेटरल विंग्स हम इनको कहते हैं. और ये क्या है टेंटेकल्स है राइट या सॉरी ओरल आर्म्स है ये. और ये साइड में जो दो नजर आ रहे हैं ब्राउन कलर के दीज आर टेंटेकल्स. दिस इज सीपिया कटलफिश. ये देखो ये इस तरह से भी नजर आती है आपको. ठीक है दिस इज कटलफिश. ओके थोड़ा सा पता चला. यस चलिए जी. तो मोलस्का की एग्जांपल्स मोलस्का आर शेल्ड ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट मैंने बताया है आपको पाइला. एप्पल स्नेक this is apple snail. ये इसका खुले वाला रीजन है जहां से खुलता है जहां से इसका फुट बाहर आता है. दिस इज पाइला. अनदर इज पिंक टेडा. इसको हम क्या बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर. Which yield pearls? इसका तो नहीं हम डायग्राम बनाएंगे बट दिस इज पिंक टेडा. Another is octopus. Devil fish. Another is sepia.
पेटल फिश है, लॉलीगो, दिस इज स्क्विड है, सिमिलर टू सीपिया, लॉलीगो इट इज स्क्विड. Another is dentalia. ये इस तरह से नजर आता है. टस्क की तरह से है, टस्क शेल हम इसको बोलते हैं. डेंटेलियम इट इज टस्क शेल. Another is keetopleura, chiton भी बोल देते हैं या keetopleura, एक ही बात है. CFAE. Keetopleura या chiton. And another is aplysia. See here, बोल देते हैं इसको. Aplysia. See here. ये बेटा नाम याद रखने ही पड़ेंगे. Phyla, pink tetra, octopus, sepia, lolico, dentalium, keetopleura, and aplysia. ओके चलिए जी. मोलस्क ऑल एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैरी. ऑल एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैरी. ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री. Complete digestive system. Schizosilomate, S-C-H-I-Z-O. Schizosilomate. Organ system level of organization. Organ system level of organization. The body is divided into head, foot, and visceral mass. The rest of the body is called visceral mass. Head, foot or visceral mass ya visceral hump. Ye agar beta, ye iska visceral mass hai, then there is a fold of skin called as mantle. The visceral mass ya visceral hump is covered by a fleshy fold of skin. Fleshy fold of skin called as mantle. Skin ka hi fold hai. On dorsal side, again on dorsal means upar wali side. ये है बॉडी वॉल या विसरल हम कह दें. द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम, दिस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी. द स्पेस बिटवीन विसरल हम एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी. Which has
फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. क्या होता है मेंटल कैविटी में? फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. मेंटल सिक्रीट्स शेल. क्वेश्चन आ जाता है शेल ऑफ द मोलस्क इज सिक्रीटेड बाय. इट इज मेंटल. मेंटल सिक्रीट्स कैल्केरियस शेल. कैल्केरियस मीन्स फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Formed of calcium carbonate. Most have external shell such as phyla, pink tetra, etc. Some have internal shell, that is inner to mantle. Example has sepia and loligo. इसलिए ये stiff होते हैं. और third है shellless. Mollusks. Example है octopus. Octopus में shell नहीं. Next आ जाता है. The head has one pair of eyes and sensory tentacles. The head has one pair of eyes and sensory tentacles. ठीक है जी. द माउथ है जो इसका बहुत पिक्यूलियर फीचर है. द माउथ हैज रेस्पिंग ऑर्गन. रेस्पिंग कटिंग वगैरह के लिए ही काम आता है. रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेडुला. ये रेड पेन से लिख लेना. द माउथ हैज रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड एज रेडुला. They are unisexual या dioecious. Unisexual or dioecious. Fertilization internal. Development indirect. Having veliger. And glochidium larva. Veliger or glochidium larva. अब हम कुछ specific पे आ जाएंगे. कुछ specific points, economic importance. Sepia and loligo have ink glands. Sepia and loligo have ink glands. When they are attacked by some predator, they liberate ink in the water. They liberate
in the water, which makes a cloud, एक rough सा misty सा cloud बना देते हैं, which makes a cloud in which they ran away. Predator को नजर नहीं आता और ये भाग जाते हैं. In which they ran away. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्टोपस. नेक्स्ट इज ऑक्टोपस. ऑक्टोपस हैज पॉइजनस सलाइवा विच कैन किल द प्रे. Poisonous saliva for killing of prey. It also has ink glands to protect from predators. It also has ink glands to protect from predators. Next, aa jata hai. Some mollusks such as Neo, UNIO. Some mollusk such as Neo, UNIO is edible. Khaye jaate hain. Next hai. Pink Dada. Pink Dada is a pearl forming mollusk. If some impurities such as sand grain enters in the mental cavity, comma, इसी की ही हम पिंक टैडा की बात कर रहे हैं. The mental secretes are layers of nacre. The mantle secretes layers of nacre, N-A-C-R-E, nacre around that sand grain. Around that sand grain. Mom, repeat that. If some irritant such as sand grain enters in the mantle cavity in pink tada, comma, the mantle secretes layers of nacre, N-A-C-R-E, nacre around sand grain, which matures as a pearl. धीरे धीरे करके वो mature होके क्या बना देते हैं, pearl बना देते हैं, P-E-A-R-L, which matures as a pearl. और फिर यहां पे रेड पेन निकालो और यहां पे लिखो द आईज ऑफ सम मोलस्क्स सच एज सीपिया are analogous to the vertebrate eyes. एक और पॉइंट लिखिए. Mollusks have open circulatory system. Except sepia loligo octopus. Except sepia ही कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए. Except sepia, which has closed blood vascular system.
ठीक है जी. ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस एंड इज कॉल्ड एज हीमोलिम. ब्लड इज कलरलेस एंड इज कॉल्ड एज हीमोलिम. ठीक है जी. दे एक्सक्रीट अमोनिया विद द हेल्प ऑफ फैदरी गिल्स. They excrete ammonia with the help of feathery gills. Or, कईयों में होता है, सभी में तो नहीं. Organ of Vaginus in some. Or, organ of Vaginus, Vaginus, Vaginus in some. Organ of Vaginus को underline कर लें. ठीक है जी. So, this is about mollusca. ठीक है बेटा. तो आज हम मोलस्का तक करेंगे. कल हम अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. कल वाला लेक्चर और एक और लेक्चर हमें चाहिए होगा टू कंप्लीट यू नो किंगडम एनिमेलिया. राइट. तो कल जो है, आज आप छुट्टी है, आई होप सभी छुट्टी होगी सभी क्लासेस की, मैंने ले ली. बट जितना हमने मोलस्का तक करवाया, एक मोलस्का में एक और पॉइंट लिखिए. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. सबसे लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. ठीक है जी. सो टुमोरो एट सेम टाइम 5:30, बट उससे पहले हम मोलस्का तक के क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा करेंगे. ओके यस ठीक है. ओके बेटा, बाय बाय.